हाँ तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई अपडेट वीडियो में। ना 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 आगे चलने तो पहला सब्सक्राइब और कर ले। सब्सक्राइब करें तो तेरा फोन नहीं फूटदा और मेरा अमीर का खाता में थोड़े से पीछे आ जाएंगे। तो सबसे पहली अपडेट है गुलजार छानियाला ने लेकर। तो दोस्तों गुलजार छानियाला की कुलैब आ सका है रेणुका पवार का गला है, क्योंकि रेणुका पवार ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर करी है जिसमें गुलजार छानियाला था हैप्पी न्यू ईयर विश कर दे होगी। तो मैं उरा कुलैब की बात क्यों बोलने लग रहा हूँ, क्योंकि जब रेणुका पवार का बर्थडे था तो उस टाइम अपने गुलजार छानियाला रेणुका पवार पर बर्थडे विश करते हुए दिखे थे। तो फिर अपने एक कुलैब के रूप में एक गाना देखने में मिला था जिसका नाम था ब्रेसलेट। तो आप सब ने एक और कुलैब सॉन्ग रेणुका पवार का गला देखने में मिल सका है। आगे बात करें देवेंद्र अहलावत ने लेकर है। तो देवेंद्र अहलावत लाइव आया था और अपना नया गाना का नाम बताया है देवेंद्र अहलावत ने, और न्यू भी कहा है कि इस साल में लगातार काम करूंगा। तो जो नव हरियाणी पर गाना आने लग रहा है उस गाने का नाम है भाई बटेऊ। बटेऊ नाम है भाई वो गाने का। गाना सुनियो, वीडियो देखियो, जो भी मतलब भी कुल मिला के जिस तरीके का आया था ना, जो देवेंद्र अहलावत का टेस्ट था, जो देवेंद्र अहलावत की रिदम थी, जो एक फील थी भाई, जो भी गाना होगा एक जायज एक सेंस में होगा। नहीं उन्हीं के मोह लिख दिया के मोह जोड़ दिया है एक तरीके से, एक गच तरीके से बढ़िया ऑडियो पाओगा, ऑडियो जबरदस्त, वीडियो भी भाई बढ़िया उसकी गेला। आगे बात करें सपना चौधरी ने लेकर। सपना चौधरी का भी एक नया गाना आने लग रहा है, गाने का नाम है ऐसी लियाई चौधरी। यो गाना गाया है रुचि का जांगर ने और फीचरिंग करी है सपना चौधरी ने। गाना इबे कमिंग सून है। आगे बात करें सुमित पारता के बारे में। तो आप सबने पता है कि सुमित पारता की वेब सीरीज आने लग रही है। तो सुमित पारता इंस्टाग्राम पर लाइव आया था और लाइव में किसी ने एक फनी कमेंट कर दिया कि आपकी वेब सीरीज राहुल ननालिया की बहुत सुथरी कोनी हुआ है। क्या वेब सीरीज है ना राहुल दंदलानिया की, बूता सुतरी को नहीं हो वैसर तुम्हार ले जाए। तो आगे बात करें कुछ अलग अपडेट्स की। आप सब जानो कि बिग बॉस चल रहा है। बिग बॉस के अंदर UK 07 राइडर बारह लिया है, और जब यो बारह होया तो ट्विटर पे एक ट्रेंड चल पड़ा #NoAnurag NoBigBoss। तो आगे बात करें नीरज गोयत का बारे में। दोस्तों आप सब जानो हो कि इस चैलेंज दिया था जैक पॉल ने कि वो उसका गला बॉक्सिंग मैच कराए, तो पूरा जैक पॉल का रिप्लाई आ लिया है और जैक पॉल ने लिखा है यह भारत और अमेरिका के बारे में नहीं, मैं भारत में अपने सभी समर्थकों की सराहना करता हूँ और उनसे प्यार भी करता हूँ, अगर नीरज को मौका चाहिए तो उन्हें कहने से रोकना होगा। इसके रिप्लाई में नीरज गोयत ने एक वीडियो शेयर करी है, तो के कुछ बोला है नीरज गोयत ने तुम देख लो। आपको पता है जैक पॉल मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि मैं इस बॉक्सिंग चैलेंज में इंडिया वर्सेस अमेरिका लेके आ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी दोनों पिछली वीडियो उठाकर देख लो, मैंने एक भी जगह अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं किया। तो फेक पॉल सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है, बातें घुमा रहा है और कुछ नहीं, और सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है इस चैलेंज से पीछे हटने के। रही बात इंडिया की, मैं क्यों ना अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं, और मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग से पहले इंडियन आर्मी का जवान था, ये भारत मेरे खून में बसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, मैंने काफी अमेरिकन कोचेस और बॉक्सर्स के साथ अमेरिका में ही ट्रेनिंग कैंप किए हैं, उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा भाईचारा है और काफी लोगों के मेरी वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि मैं प्रभु राम को और धर्म को बीच में लेके आ रहा हूँ। तो आप सबको बता दूं मैं हरियाणा से हूँ, हम सुबह उठ के भी कोई मिल जाए उसको गुड मॉर्निंग या हाय हेलो नहीं बोलते, राम राम बोलते हैं, कुछ गलत हो जाए तो ओ शिट नहीं बोलते, बोलते हे राम क्या हो गया इसका। तो आज की अपडेट्स में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट्स गल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो जल्दी जल्दी करवा दो। राम राम।